मछुआरा और सुनहरी मछली। बहुत समय पहले की बात है, समुद्री जहाज में एक मछुआरे का परिवार रहता था। मछुआरा भला, नीक और ईमानदार था, हमेशा संतुष्ट रहता था। पर उसके जीवन में एक दुख था कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसकी पत्नी इसी दुख में चिंतित रहती थी, पर मछुआरा हमेशा की तरह समुद्र में जाता, मछलियाँ पकड़ता और घर वापस आ जाता। एक दिन जब वह समुद्र में मछलियाँ पकड़ने गया तो उसे कुछ भारी और अजीब सा महसूस हुआ। एक सुनहरी मछली उसने पकड़ी, लेकिन उसने वापस उस मछली को पानी में डाल दिया और एक बार फिर अपना जाल समुद्र में डाला, और इस बार भी वह सुनहरी मछली निकल के आई। लेकिन इस बार वह मछली बोलने लगी, मैं इतनी अद्भुत हूँ, इतनी सुंदर हूँ, तुम चाहे तो मुझे बाजार में बेच के अच्छे दाम कमा सकते हो। मुझे देखने के लिए तो दूर दूर से लोग आएंगे, फिर तुमने मुझे पानी में वापस क्यों फेंक दिया? मछुआरा मुस्कुराया और कहा, तुम अद्भुत और अलग हो, इससे मैंने तुम्हें वापस पानी में जाने दिया। तब मछली ने कहा, मेरा एक पंख तोड़ दो, मेरे एक अंश से एक दूसरी मछली आएगी और वो तुम्हारी इच्छा पूरी करके लुप्त हो जाएगी। उसने वैसा ही किया, एक मछली को अपने घर लेकर आया, और जब उसकी पत्नी ने उसके पेट को काटा तो वह दोनों बहुत हैरान रह गए, क्योंकि उसके पेट में एक बेहद सुंदर, प्यारा, मासूम छोटा बच्चा था। दोनों की खुशियों का ठिकाना ना था, क्योंकि उनके जीवन में जिस चीज़ की कमी थी अब वो उनके सामने था। वह प्यारा सा बच्चा सामान्य ना था, उसके अंदर अद्भुत शक्तियाँ थी। वह हमेशा मुस्कुराता और बुद्धिमानता का प्रतीक देता था, अपनी उम्र के बच्चों से बेहद होशियार और समझदार। बिना कुछ दिखाए और बताए वह चुटकियों में सारी चीज़ें समझ जाता था। बहुत जल्दी उसने अपने पिता का व्यापार समझ लिया और उसे बहुत अच्छे से चलाने लगा। उसके माता पिता उससे बहुत खुश थे। इस तरह प्रकृति हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच के रखती है, हमें उसके लिए पूरे संयम से काम करना चाहिए और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। If you like the video, don't forget to share and subscribe for more amazing, interesting stories.